का नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है नगर संग्राम का। उत्तर प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं प्राइम टीवी की टीम अपने खास कार्यक्रम को लेकर औरैया जिले के विधुना नगर पंचायत में पहुंची है, जहाँ चेयरमैन प्रत्याशी के लिए आदर्श मिश्रा मौजूद है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी से जानेंगे कि क्या क्षेत्र के अहम मुद्दे हैं और अगर जनता उन्हें चुनकर भेजती है तो किन प्रमुख समस्याओं पर काम करते हुए नजर आएंगे। साथ ही क्षेत्र में कैसा समर्थन देखने को मिल रहा है, तो हम अपने खास कार्यक्रम में बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं, तैयारियां जोरों शोरों से चल रहे हैं। प्रत्याशी अपने क्षेत्र में जा रहे हैं और जनता के बीच अपनी बातें रख रहे हैं और उन्हें विश्वास दिलाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि निकाय की जंग है, उसी में सभी पार्टी सभी दल अपना रंग जमाने में लगे हुए हैं। निकाय चुनाव की सरगर्मियों को देखते हुए सभी प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं और अपनी जनता के बीच जा रहे हैं। निकाय चुनाव होने में कुछ ही वक्त रह गया है, जिसको देखते हुए सभी पार्टियां जंग के लिए मैदान में उतर गई हैं और अपना रंग जमाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। आदर्श मिश्रा जी, आप चेयरमैन पद की दावेदारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैडम, मैं प्राइम टीवी के दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैडम, एक्चुअली जो विधुना नगर पंचायत है उसके पूर्व में भी हम लोग चेयरमैन रहे हैं 4 बार, और पिछले टाइम जो है यहाँ जो पूर्व चेयरमैन रहे उनके टाइम में जो नगर पंचायत की मूलभूत जो समस्याएं रही उनपे कहीं कोई काम नहीं किया गया। जो बिजली की काम है, सफाई का काम है, लाइट का काम है, पानी का काम है, इन सब चीजों पे कोई काम नहीं किया गया। और साथ में जो कोरोना के टाइम जो एक अहम समय था, उस टाइम जो है जो नगर पंचायत के जो दायित्व थे उनका दायित्व का निर्वाह नहीं हुआ। गरीब लोगों को खाना नहीं पहुंचा, गरीब लोगों के पास सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं हुई, डीडीटी का छिड़काव नहीं हुआ, ये कई सारी समस्याएं रही जिससे नगर की जनता त्रस्त है। आदर्श जी, आप अपने बारे में सबसे पहले हमारे दर्शकों को बता दें और ये भी बताएं कि आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई। मयूरी जी, एक्चुअली हमारे पिताजी श्रीकांत मिश्रा सन 1988 में पहली बार चेयरमैन बने और फिर सन 95 में दूसरी बार चेयरमैन बने और तीसरी बार मैं 2000 मैं स्वयं चेयरमैन बना और 2007-2012 में हमारी पत्नी श्रीमती मनोज कुमारी पुनः चेयरमैन बनी। हम लोग 4 बार इस नगर पंचायत का प्रतिनिधित्व कर चुके। आदर्श जी, हर इंसान का राजनीति में एक मार्गदर्शक होता है, आपका कौन है और क्यों है? एक्चुअली मैम, हमारे मार्गदर्शक हमारे पिता स्वर्गीय श्री श्रीकांत मिश्रा जी रहे हैं। उन्होंने इस विधुना नगर पंचायत को बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाया और उन्होंने विकास के एक नए आयाम स्थापित किए और उन्हें विधुना की जनता एक विकास पुरुष के नाम से जानती है और उन्हीं के आशीर्वाद और उन्हीं के सानिध्य में आज हम फिर पुनः जो है जनता के बीच में हैं। आदर्श जी, आपके राजनीति के सफर में कौन कौन सी चुनौतियां आई? एक्चुअली मैम, चुनौतियां कोई बड़ी चुनौती हमारे पास नहीं रही, क्योंकि हमारा एक राजनीतिक परिवार रहा जिसे विधुना की जनता ने हमेशा अपना प्यार हमेशा अपना आशीर्वाद दिया और विधुना में सन 1988 में पहली बार नगर पंचायत का चुनाव हुआ
और उससे हम लोग लगातार 4 बार हम लोग विधुना की जनता ने हम लोगों को आशीर्वाद किया और हम लोग 4 बार इस नगर पंचायत विधुना के अध्यक्ष के रूप में हम लोगों ने 4 बार प्रतिनिधित्व किया। आदर्श जी, देश में तमाम पार्टियां हैं, आपने निर्दलीय चुनाव का ही क्यों सोचा? मयूरी जी, निर्दलीय चुनाव का हमने इसलिए सोचा कि विधुना की जनता जो है वो किसी दल से इसलिए नहीं बन सकती है क्योंकि ये स्थानीय चुनाव है और स्थानीय चुनाव में दल से न चुनाव होकर दिल से चुनाव होता है। इसलिए हमने ये निश्चय किया है कि हम किसी दल से नहीं लड़ेंगे, हम विधुना की जनता की दिल से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए हमने किसी भी दल से चुनाव लड़ने का निश्चय नहीं किया। आदर्श जी, आप चेयरमैन पद की दावेदारी कर रहे हैं, अभी अपने क्षेत्र में कौन सी बड़ी समस्याएं देख रहे हैं आप? मयूर जी, यहाँ एक्चुअली एक सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ रोडवेज बस स्टैंड जो है बन के खड़ा हुआ है, वो अभी चालू नहीं हुआ है और नगर में ट्रैफिक की जाम की बहुत बड़ी समस्या है और कई जगह विधुना में ऐसी है जहाँ पे जल भराव है। तो मेन समस्या यहाँ जल भराव की है और शमशान घाट, यहाँ कोई अच्छा शमशान घाट नहीं है, हम लोग शमशान घाट व्यवस्था करवाएंगे और नगर की जाम की समस्या है उस पे हम लोग काम करेंगे और आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे कि हमारा यहाँ जो बस स्टैंड है वो यहाँ चालू हो सके। तो जनता के बीच आप किस एजेंडे के साथ जा रहे हैं, क्या लक्ष्य आपने सोच कर रखा है? जनता के बीच में मैम एक्चुअली जो नगर पंचायत के जो मूल कार्य होते हैं, जैसे बिजली का कार्य है, हम लोग जब वार्डों में जाते हैं तो लाइटें नहीं है, अंधेरा पड़ा हुआ है और नालियां जो है गंदी है, जहां महीनों से क्या सालों से वहां सफाई नहीं हुई है और पानी पानी का कनेक्शन, पानी की व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। तो हम यही 4 मुद्दे लेके, बिजली, पानी, सफाई, यही 4 मुद्दे लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। तो आप अभी जनता के बीच जा रहे होंगे, उनकी समस्याएं सुन रहे होंगे, अपनी बात रख रहे होंगे, तो कैसा समर्थन आपको जनता का मिल रहा है? मयूरी जी, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का मुझे विजय श्री के रूप में पूरा आशीर्वाद मिलेगा और हम पुनः विजय श्री हम लोगों को मिलेगी, ऐसी हमें विधुना की जनता से उम्मीद है। आदर्श जी, आप निर्दलीय मैदान में उतरे हैं और भी तमाम पार्टियां मैदान में हैं, अपने कंपटीशन में किसे देख रहे हैं, प्रतिद्वंदी किसे मान रहे हैं? मैम वैसे तो यहाँ क्या नाम, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ रही है और समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है जी, लेकिन हम अपना कंपटीशन हम किसी से नहीं मान रहे हैं क्योंकि यहाँ जो है दल से चुनाव नहीं हो रहा है, दिल से चुनाव हो रहा है और स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय चुनाव है, इसलिए हम अपना कंपटीशन किसी से नहीं मानते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता हमें विजय रूप की आशीर्वाद पुनः प्रदान करेगी। स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर आप क्या कुछ समस्याएं हैं और अगर जनता मौका देती है तो इन मुद्दों को लेकर क्या कुछ आप काम करेंगे? स्वास्थ्य और शिक्षा हमारे नगर पंचायत के अंदर में नहीं रहती है, फिर भी एक्चुअली हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग अपने व्यक्तिगत जो हमारे संबंध है या व्यक्तिगत हम प्रयास करके यहाँ का जो अस्पताल है वहाँ हम लोग जाते हैं, नगर पंचायत की तरफ से जो भी सुविधाएं होती है उन्हें हम उपलब्ध करवाते हैं और प्रयास करते हैं कि आने वाले जो पेशेंट हैं हम उनका भरपूर सहयोग करें। आदर्श जी, आपको जनता का नेता कहा जाता है, इसका क्या कारण है? मैम एक्चुअली जनता का नेता हमको इसलिए कहा जाता है कि हम लोग जनता के बीच में ही रहते हैं और उसी का ये कारण है कि हम लोग 4 बार जो है जनता ने हमें चुना है और हम लोग जनता की सेवा में विश्वास करते हैं और जनता को बरगलाने में विश्वास नहीं करते हैं, जनता की सेवा में हमारा विश्वास है, हमारा सेवा ही देखो जनता का हमारा लक्ष्य है। तो आदर्श जी, अगर जनता आपको मौका देती है तो 5 ऐसे कौन से बड़े काम होंगे जिसको आप पहले कराना चाहेंगे? मयूरी, अगर जनता हमें मौका देती है तो हम विधुना में 4 ऐसे चिन्हित स्थान कर रहे हैं जहां पर हम लोग फ्री वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे और हमारे जो 4 यहाँ चौराहे हैं उनका हमारा सौंदीकरण, जो कस्बे की जो सुंदरता होती है, हम लोग चारों चौराहे का हम लोगों का सौंदर्यीकरण होगा और 4 स्थान जो है वाईफाई से हम लोग करेंगे और हर वार्ड में
हम लोग एक अलग अलग टीम बनाकर जियो टैग के माध्यम से हम लोग सफाई और वृक्षारोपण और बिजली इन सब चीजों का हम लोग जो है ऑनलाइन हम लोग देख सके, जनता देख सके, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। आदर जी, महिलाओं और बच्चों के लिए क्या कुछ खास करना चाहेंगे? मैम, महिलाओं के लिए एक्चुअली जो सरकार द्वारा योजनाएं संचालित होती हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसमें हम लोग ये प्रयास करेंगे कि महिलाओं को सबसे ज्यादा यह आवास मिल सके। आयुष्मान कार्ड है, इसमें भी हम लोग महिलाओं के लिए कर रहे हैं। और जो सरकार द्वारा राशन की जो फ्री व्यवस्था है, उनमें भी हम लोग महिलाओं को प्राथमिकता करके उनको जो है अनाज का वितरण हम लोग ऐसा करेंगे कि उन्हें प्राथमिकता के तौर पर जो लोग इसके पात्र हैं हम उन्हें ये दिलवा सके। आदर जी, आपके क्षेत्र में बिजली, पानी और सफाई की कैसी व्यवस्था है? मैम, बिजली की व्यवस्था ठीक है, लेकिन एक्चुअली जो स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है वो हमारे यहाँ ठीक नहीं है। स्ट्रीट लाइट कई सारे वार्ड ऐसे है जो बिल्कुल अंधेरे में डूबे हुए, तो उन्होंने हमें सबसे पहले जो हमारे वार्ड अंधेरे में है उन्हें हमें स्ट्रीट लाइट से पहले ठीक करना है। और सफाई की बात है, जहां तक हम लोग जो है अपनी एक टीम लगाकर और ऑनलाइन उनकी व्यवस्था करके हम लोग सफाई की व्यवस्था करवाएं। आदर जी, देखिए तो अभी मौजूदा हालात में जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है वार्डों में, वो गंदगी को लेकर है, नालियों को लेकर है, कूड़े को लेकर है, तो इसको लेकर क्या कुछ करना चाहेंगे? मैम, कूड़े की एक अहम समस्या है, क्योंकि कूड़े का निदान का अभी कोई हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि जो कूड़ा हमें कूड़ा जो निकलता है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत जल्दी एक कूड़े का एक सिस्टम लगने जा रहा है जिससे हम लोग कूड़े का निदान करके अलग अलग जो है खाद बना सके, ऐसी कुछ हम लोग व्यवस्था करेंगे। आदर जी, आज के राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए कैसे विकास की गाथा लिखेंगे? मयूरी जी, एक्चुअली विकास की गाथा हम लोग पहले भी लिख चुके हैं और आने वाले में हम लोग पूरी तन्मयता से अपने विधुना को प्रदेश की आदर्श नगर पंचायत हम लोग बनाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आदर जी, मीडिया एक सशक्त माध्यम है अपनी बात कहने का, आप क्या कहना चाहेंगे प्राइम टीवी के माध्यम से? प्राइम टीवी के माध्यम से हम प्राइम टीवी के दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ 11 मई को वोटिंग है और 11 मई को आप एक ईमानदार, एक कर्मठ और एक जुझारू प्रत्याशी जो आपके सामने मौजूद है, आप हमें वोट करें। हम आपके हर दुख और सुख में शामिल होकर आपकी जो भी सेवा होगी नगर पंचायत से वो आपकी सेवा करें। तो आदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद मेहू। तो आज मुलाकात हुई विधुना से चेयरमैन प्रत्याशी आदर्श मिश्रा से, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जनता हमें मौका देती है तो हम जनता के लिए बेहतरीन काम करेंगे। बता दें कि निकाय चुनाव में महज कुछ ही वक्त रह गया है, जिसको देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं और जनता की समस्याओं को भी सुन रहे हैं और अपनी बात कहकर पूरा पूरा भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल नगर संग्राम में अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ बाल पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।